सीएम साहब ने शादी मुबारक स्कीम के लिए पहले 51,000 रुपए दिए, 75,000 करे, अब 1,116,000 रुपए दे रहे। उन्होंने बोले एक साल में 50,000 रुपए तेलंगाना आंध्र के मुसलमानों के लिए दिया, और सीएम साहब ने 4 साल 3 महीने के अंदर 634,000 रुपए उससे, और शादी कितने करवाए, 1,08,665 शादी करा चुके। इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूँ ये सब बातें बेकार है, बहुत देख रही है हम कांग्रेस और तेलुगु देशम को, ये दोनों मिलके दोनों सत्तारा मिलके अलायंस करें, और मुसलमानों का कभी भी भला कोई कांग्रेस का लीडर नहीं करा है। दिलासा देते तसल्ली देते, मैं पूछता हूँ क्यों हमें तसल्ली देते, जब तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था तो हमें 4 चीफ मिनिस्टर से साबिता पड़ा, पहले चंद्रबाबू नायडू रहे, दूसरे भाई राजशेखर रहे, तीसरा रोशिया साहब रहे, चौथा किरण कुमार रेड्डी साहब जो तेलंगाना के आखिर किरण बनी। इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया आज फार्मर्स को भी 24 घंटे का इंडिया जा रहा है। आज सारे किसान पूछे 2008 में यही केसर लाकर बशीरबाद पर डाला, काटन नाम का एक साल था जिसकी हर साल सालगिरह मनाते हैं, वो ब्रिटिश फौज में एक इंजीनियर था, वो इंजीनियर की आज हर साल बर्थडे मनाते, बड़ी धूम से मनाते, तो तुम लोग क्यों ब्रिटिश इंजीनियर की बर्थडे मनाते हैं, तो उसने क्या कहा, उनसे एक डैम बनाया था जिससे 25,000 एकड़ जमीन सैराब होती है, इसलिए हम उसका बर्थडे मनाते हैं। अरे हवले लोगों, निजाम सरकार ने निजाम सागर डैम बनाया था जिससे 4 लाख जमीन सैराब होती है, तो उसका क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि आप सिर्फ बतरा नहीं सकते, आप एक उम्र दूसरा जवाब देते, तो ये लोग थे वो लोग आंध्रा वाले आए दिन हमारे पास यहाँ पर हुकूमत की। इसलिए मेरे भाई से कहता हूँ हम बहुत बड़ा साथ को वोट डाले, कभी हम भी डाले हमारे बचपन में जवानी में जब भी, क्योंकि हमारे कोई मुतबादल रास्ता नहीं था, बाद में तेलुगु देशम बनी उसको भी उठा ले, और वो भी हमारे वसाहत इंसाफ रहेगी। यही चंद्रबाबू नायडू कब तक बीजेपी के साथ थे, 1983 से लेकर आज 3-4 महीने तक बीजेपी के साथ रहे, बाबरी मस्जिद शहीद थी तो वो तो एनडीए के कर्मी नहीं थे, फिर क्यों ना आवाज उठाए बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपसे वोट मांगते हैं कि सियासत को बुरा भला कहते हैं, तो आपके घर की पार्टी है टीआरएस पार्टी को बुरा भला कहते हैं। अरे आज तेलंगाना में मुसलमानों को इज्जत मिली है, सारे फौज के लोगों को इज्जत मिली, नहीं तो हमारे लोग आंध्र वालों के जेर असर थे, वो लाने वाला के सियासत साहब है, ये लोग कहते हैं हमने दिया, ये लोग नहीं दिए। 2019-69 में हमारे बुजुर्ग है यहाँ पर बहुत बड़ा एजुकेशन चला, 370 लोग पुलिस की गोलियों में शहीद हुए, कुत्ता कुमार रेड्डी कहते हैं 12% का वायदा करे थे नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे बुजुर्ग है यहाँ पर, कांग्रेस 1948 से लेकर 2004 तक 56 साल हुकूमत करते रहे, कुछ सालों में उन्होंने हुकूमत किए, कुछ सालों में तेलुगु देशम जब उनके साथ वो हुकूमत किए, दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं किया। मैं पूछता हूँ कभी भी एक बार भी रिजर्वेशन के बारे में कोई लीडर जिक्र करा के आप दिल से छोड़ दीजिए, तो दे रहे 76% वो भी मांग रहे हैं। तो मेरे भाइयों ये केसिया जो वायदा किए ये कोई आपको समझाने के लिए नहीं किए, 2002 में किए थे, पर हमें क्या मालूम जब हम हुकूमत में आएंगे तो बीजेपी पावर में आएगी और मोदी की और नजारी नाती फिर प्राइम मिनिस्टर के चेयर पर बैठेगा। 83 तक कांग्रेस हुकूमत करती रही, 35 साल हुकूमत की, पर मैराठी कॉर्पोरेशन नहीं बनाई ना मैराठी का एक रुपया बजट दिया। 83 में 18 नंबर रॉ पार्टी बनाए और 85 में केसीआर साहब एमएलए बनकर आए, उन्होंने केटीआर साहब ने हमारे केटीआर साहब केसीआर साहब केसीआर साहब ने 18 नंबर रॉ से कहा कि यहाँ के मुसलमान साहब का में हुकूमत करते थे बहुत माशी हाल से तंग है, उनके लिए कॉर्पोरेशन बना जाए। 85 में सिर्फ 80 लाख रुपए से कॉर्पोरेशन बना था और आज हमारा बजट 2,000 करोड़ है। हिंदुस्तान का बजट देख लीजिए, हिंदुस्तान में 30 से 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का माइनॉरिटी बजट 4,700 करोड़ है, कितने में 30 से 35 करोड़ मुसलमानों के लिए, हमारी स्टेट में 60 लाख मुसलमान रहते हैं, उनका बजट 2,000 करोड़ के बराबर है, 2,000 करोड़ है और भी इसमें इजाफा किया जाएगा और प्लान से खर्चा किया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों से खासतौर से कोलार के भाइयों बहनों से आप अपील कर रहे हो कि आपके जो होने वाले एमएलए आने वाले एमएलए मल्या यादव साहब पहले मल्या बोलो मल्या यादव साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट है, सीएम साहब सर्वे में भी काफी अच्छा परसेंटेज आया है, उन्हें यादव साहब को जिताइए, पर आपका जो बचता है देखिए मुझे क्या कमीशन दी गई, रेवेन्यू कमीशन दी गई, जितनी लैंड है तेलंगाना की वो मेरे हाथ की मतलब कंट्रोल कर सकता हूँ, ये 31 कलेक्टर भी मेरे अंडर आते हैं, पहली मरतबा
बहुत का सर्वे 1930 में हुआ था, जब वजीर जो वजीर थे रेवेन्यू वजीर सालार जंग, सालार जंग के बाद पहली बार एक मुसलमान रेवेन्यू मिनिस्टर बनाए, और अभी सर्वे हुआ है 2016-17 के अंदर 45,000 एकड़ जमीन पहली मरतबा वक्त की सर्वे कर रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाया जा रहा है। कोई आदमी इस एक ही जमीन को हासिल नहीं कर सकता, उसकी मुकम्मल हिफाजत की जाएगी, जुडिशियल पावर दिया जाएगा, पूरे वक्त की जमीन मुसलमानों के डेवलपमेंट में इस्तेमाल की जाएगी, और गवर्नमेंट से जहाँ भी कब्रस्तान के लिए मैं आज वायदा करता हूँ, कब्रस्तान की जो जमीन है अभी इलेक्शन बोर्ड है, गवर्नमेंट बनने के बाद ऑलरेडी बहुत सारे जगह दे चुके हैं, ईदगाह की कंपाउंड वाल, मस्जिदों की कंपाउंड वाल, जो जो भी आपके इश्यूज है, इंशाल्लाह ये इलेक्शन का रिजल्ट 11 तारीख को निकलने के बाद मैं आपका भाई हूँ, खादिम हूँ, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। मेरे दो भाई को अगर कांटा चुभता है तो मुझे भी दिल में दर्द होता है, मुझे भी महसूस होता है, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, मुझे क्यों बनाया गया, आप लोगों की वजह से बनाया गया, मेरे मुस्लिम भाइयों की वजह से मुझे टीचर बनाया गया, नहीं तो नहीं बनाया जाता था, मेरे भाइयों का खादिम हूँ मैं। आपसे गुजारिश करता हूँ इलेक्शन के बाद रिजल्ट के बाद, और टीआरएस पार्टी एक दो नहीं 90 से 100 सीट जीतेगी, ये सब पकवान है। 60 से 70 सीटों पर जमानत भी नहीं बचा सकी, मैं आज कह रहा हूँ ये हकीकत है, मैं पूरा 50 मंजिल से फिरते फिरते आज आया हूँ, काफी कल से मुसलसिल वरंगल में था, आज सुबह हजूर नगर गया, वहां से आया, कम से कम मैं 60-70 जलसे अटेंड किया हूँ मुस्लिम भाइयों के, मुसलमान मन से डर सारे तेलंगाना के वहाँ किसी आशा को जिताना चाहती है, बाहर के निशान को ओन करना चाहती है, हमने हाथ को दिया, हाथ हमेशा हाथ देता रहा, उसके बाद साइकिल को दिया बेकार हो गए, साइकिल में पंचर हुई, ना हैंडल है ना पैडल है, अब कैसा दौर है, कार का दौर है, कार की तरह रफ्तार से मुसलमान तरक्की करना चाहिए, इसलिए आपको और कार के निशान को देना चाहिए, आपको मल्ला यादव साहब को भारी को देना चाहिए, और आपके खादिम भाई ने आपके जो भी इशू चाहे वो वक्फ के हो, चाहे लैंड के इशू हो, कब्रस्तान के हो, या कंपाउंड वॉल के हो, या ईदगाह के हो, जो भी इशूज रहेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जितना हो सके जल्द से जल्द उस तक को हल किया जाएगा। और मुसलमानों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, 15 साल बुढ़ा हुआ तो 65 साल भी है, 5 साल तो हमारे गुजर चुके हैं, अभी सिर्फ 10 साल का मौका दीजिए, सिर्फ 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तारीफ में आपका मुसलमान होंगे तो तेलंगाना, हिंदुस्तान में सबसे खुशहाल मुसलमान होंगे तो तेलंगाना को, क्यों जिस स्टेट में अमन रहता है और तालीम रहती है बहुत तेजी से तरक्की करती है। अल्लाह चाहे तो हमारा बजट आने वाले 5 साल में इंशाल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ आने वाला टाइम हमारे लिए सुनहरा दौर रहेगा, बहुत तेजी से हम लोग तरक्की करेंगे। मुझे जो मौका दिया गया पर एक बात बोल के मैं आपकी बात खत्म करता हूँ, सिर्फ मेरे भाइयों कार के निशान को लगाइए, आपके खानदान, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, जितने लोग आपसे मिलेंगे बताइए कि हमारा एक भाई डिप्टी सी एम आया था और वो भाई है आपका, आपका खादिम में खिदमत गुजार है, वो उससे कहा कि कम अज कम एक मरतबा आप मौका दीजिए, वो लोगों को बहुत बार दिए, तेलुगु देशम को 4 बार दिया, अगर कहा चंद्रबाबू नायडू अपने सूत्र को भी क्या आचरण करें वो भी आप जानते हैं, वही आचरण हमारे साथ करना चाहते हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि न चंद्रबाबू नायडू हमें काम आएंगे, न उत्तम कुमार रेड्डी काम आएंगे, न कांग्रेस का हाथ काम आएगा, हाथ को हम दिए, हाथ हमको बैकवर्डनेस के लिए तकलता का गरीब से गरीब बना देगा, हमारी धीरे मदरसों पर पाबंदी लगाएगी। कहा देखिए आप बोलते जब महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत आई तो यहाँ वहां पर दीदी मदरसों पर पाबंदी लगाई जा रही थी, केसीआर साहब को मालूम हुआ, केसीआर साहब ने मुझे बुलाया, मैंने कहा साहब हमारे पास भी बहुत से मदरसों में तशवीश है, सीएम साहब ने कहा क्या करेंगे अपन, तो मैंने जामिया निजामिया जाएंगे, जामिया निजामिया जाए मुफ्ती खलील अहमद साहब से मिले, उन्होंने कहा सीएम साहब ने पूछा कि आप पूरे पूरे रूम बने गए एक हाल नहीं है आपके पास, स्टेट्स को बुलाकर एक साथ आप बात नहीं कर सकते, तो मेरे साहब जमीन है पैसे नहीं है, कितने चाहिए, तो बोले 5 करोड़ रुपए, सीएम साहब बोले भाई हमारे अफसर को भिजाता हूँ पीडब्ल्यूडी है, वो लोग अच्छे से अच्छा बनाएंगे, कितना बजट लगा 14,40,00,000 रुपए, बहुत अच्छी चीजें जोड़ देंगे, अब तक 65 साल में एक भी चीफ मिनिस्टर जामे निजामिया गया का इस्लामिक सेंटर दिल्ली के अलावा कहीं नहीं, हमारे मौलाना लोग हैं यहाँ पर, दिल्ली के अलावा कहीं नहीं है, वो भी 4,000 गज पर है, वो जमीन खरीद कर बनाई गई मुसलमानों ने चंदा जमा करके, सीएम साहब को मालूम हुआ उन्होंने 10 एकड़ जमीन कोका पेट के अंदर हाईटेक सिटी में जो 30 करोड़ रुपए की जमीन है 10 एकड़ जमीन और 40 पार्टी
ये महसूस कर रहा हूँ कि आपका वोट कारगिल के निशान को मिलना चाहिए। आपके एमएलए साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, शायद आपकी मजदूरी से, क्योंकि इलेक्शन का आखिरी टाइम है, हर जगह मसरूफ है, लोग बुला रहे हैं, तो मैं उनके तरफ से मैं आपसे माजरत भी चाहता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि आपका वोट यादव साहब को मिलना चाहिए। एक वोट भी भोरी में लाने के बराबर, ये महाकुटुंबी नहीं है, ये कचरा कुटुंबी है, चारों तरफ का कचरा हम मसरूफ करने वाला है। चाहते हैं आपको भी उनकी तरह कचरा करते, मगर हम मुसलमान आज समझ चुके हैं, होशियार हो चुके हैं, सारे तेलंगाना की आवाम भी होशियार हो चुकी है। कांग्रेस का रिजल्ट बताऊंगा मैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो लैंड गिरा के पैसे गिरा के एग्जिट पोल दे देना, आपको मालूम टीआरएस करते पूरे सीटा हार जाएंगे। अरे पता डब्बे खुलेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, उत्तम कुमार रेड्डी सीधा खरीद में दवा खाना ले जाएंगे, उनको इलाज कराएंगे, फिर अच्छे करके भी जाएंगे। तो कहीं कांग्रेस का वजूद नहीं है यहाँ पर, इसलिए वो डर के क्या करें, बीजेपी के साथ बता के क्यों, मुसलमान जो तेलंगाना में बहुत अहमियत के आ गए, आंध्र प्रदेश में कहीं मिला है, बोलता हूँ हमारे बड़े हजरत है, सिर्फ हमारा परसेंटेज घटाने के लिए हमको बिदर बीड उस्मानाबाद मुस्लिम एरिया अलग कर दिए गए, कर्नाटक में थोड़े, महाराष्ट्र में थोड़े, बड़ा हिस्सा ले आगे आंध्रा में मिला, हमारा परसेंटेज हट गया। अब तक मुसलमानों को वोट इतना याद नहीं आते थे, अब एरिया कचरे वोट डालने के लिए हर जगह जा रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आजीज कर रहे हैं, तो हमारे वोट की बड़ी अहमियत है। हम जिसको वोट डालेंगे वही हुकूमत बनाएंगे, ये पक्का मुसलमानों का वोट है। और मुझे यकीन है मुसलमान भाई जो सोचते हैं, जो उनसे मोहब्बत करता है, जरूर उसके लिए जान भी देते हैं, मगर जरूरी है मुसलमान से मोहब्बत करना। केसीआर एक ऐसे लीडर है, मुसलमानों से बेहद मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपके भाई को आपके सामने खड़ा किया है, एक डिप्टी सीएम का होता और उनके बाद का पोर्टफोलियो देकर रखा गया, कभी नहीं मिला मुसलमान को चीफ मिनिस्टर के बाद का डिप्टी चीफ मिनिस्टर का होगा। इसलिए मैं आज कोदार के तमाम भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि आपका वोट जो है कार के निशान को लगना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर हमारी आने वाली नस्ल यकीनन तरक्की याफ्ता बनेगी, खुशहाल बनेगी, तालीम याफ्ते बनेगी। मुझे जवाब दिया गया उसका शुक्रिया। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నోటిఫికేషన్స్ కోసం గంట సింబల్ నొక్కండి.